आज मैं आप लोग को अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में तीन अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो सबसे पहले मैं अलंकार, अनुप्रास, आठ अलंकार दसवीं कक्षा में निर्धारित है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहा किसे जाता है? अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण बार बार आते हों या जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण एक ही पंक्ति में एक से ज़्यादा बार आते हों, यानी एक ही वर्ण दोहराए जाते हों, उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, पा पा की आवृत्ति होती है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण कई बार आते हों वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु का मतलब होता है पीछे, प्रास का मतलब होता है वर्ण। एक वर्ण के पीछे जहाँ दूसरा वर्ण आता हो वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। श्लेष, श्लेष शब्द संस्कृत के श्लिष्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही पंक्ति में एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हों उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। जैसे सुवर्ण को शब्द एक, परंतु एक शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ यहाँ निकलते हों इसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। जैसे देखिए सुवर्ण शब्द एक, इस एक शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, कवि के लिए यही सुवर्ण शब्द कवि के लिए सुंदर वर्ण। कवि शब्द के लिए इस शब्द का अर्थ हुआ सुंदर वर्ण, व्यभिचारी का अर्थ हुआ गोरे रंग वाली और चोर का अर्थ हुआ सोना। शब्द एक, एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। क्योंकि शब्द एक ही है, अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग इसमें अर्थ निकलते हों यह कहलाता है श्लेष अलंकार।
या मा का अर्थ जोड़ा, जहां शब्द दो हो जोड़ा परंतु दोनों के अर्थ भिन्न हो वहां कहलाता है यमक अलंकार। जैसे जितने तुमने तारे उतने नभ में ना पाए, अब देखिए तारे तारे दो शब्द, जहां एक ही शब्द दो बार आते हों परंतु दोनों के अर्थ भिन्न निकलते हों, दोनों के अर्थ अलग निकलते हों, उसे कहा जाता है यमक अलंकार। शब्द दो जोड़ा का मतलब यही, यमक का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब शब्द दो, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हों, उसे कहा जाता है यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण इसी का, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा इसमें शब्द दो बार आए हैं परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, इसे कहा जाता है यमक अलंकार। शब्द दो, दोनों के अलग अर्थ, एक ही प्रकार के शब्द एक ही कविता की पंक्ति में दोनों के अर्थ अलग निकलते हैं, इसे कहा जाता है यमक अलंकार। अब देखिए उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, लेकिन इसके लिए दो शब्द आप समझ लीजिए। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु और उपमान का अर्थ होता है प्रसिद्ध वस्तु, या एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत। किसी तुच्छ वस्तु की तुलना जब प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। जब ऐसे लिखेंगे, जब अत्यंत सादृश्य गुण के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान दोनों एक ही जैसा दिखाई पड़ता हो, उससे उसकी तुलना की जाती हो, किस आधार पर? गुण के आधार पर, अवस्था के आधार पर। जैसे हम तुलना कर देते हैं मोमबत्ती की तुलना कर देते हैं सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि मोमबत्ती में भी प्रकाश होता है सूर्य में भी प्रकाश होता है, दोनों में जो गुण है प्रकाश का उसकी समानता दोनों में है, दोनों एक जैसा लगते हैं, लेकिन उपमान सूर्य और उपमेय मोमबत्ती एक वस्तु की तुलना अत्यंत सादृश्य गुण के कारण की जाती है दूसरे वस्तु से यानी उपमान से, और वह कहलाता है उपमा अलंकार। जैसे मकसद, इसका मतलब होता है तुलना करना, जहाँ लगा हो, एक और पहचान के नियम है सा सम सरिस समान, जहाँ पहचान के नियम सा सम सरिस आते हो वहाँ कहलाता है उपमा अलंकार। एक वस्तु की तुलना जहाँ दूसरी वस्तु से की जाती है, मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की जाती है, उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। क्योंकि एक उपमेय और दूसरा उपमान, एक वस्तु मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के डोलने से की जाती है, इसीलिए यानी डोलना शब्द दोनों में, इसे कहा जाता है उपमा अलंकार। अब देखिए
उपमेय और उपमान बताए थे, उपमेय में वही गुण पाया जाता हो उपमान का तो वहां होता है उपमालंकार। परंतु अत्यंत सादृश्य गुण के कारण उपमेय में ही उपमान दिखाई पड़ता हो, उपमेय में ही उपमान दिखाई पड़ता हो, उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बन गौहरि राही, चरण कमल हरि का मतलब ईश्वर, बंदव का मतलब वंदना करना, हरि का मतलब ईश्वर, बंदव का मतलब वंदना करना, किसकी? कमल रूपी चरण की। चरण का मतलब पैर, कमल का मतलब कमल का फूल, कमल के फूल बड़े पवित्र माने जाते हैं, इसलिए देवी देवताओं के पैर को कमल का रूप दिया जाता है, देवी देवताओं के पैर को कमल का रूप दिया जाए। कमल होते नहीं हैं, लेकिन चूंकि कमल के रूप में ही उनके पैरों की हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं श्रद्धावश, इसीलिए उनके पैरों को कमल का रूप दे दिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों में अभेद आरोप है, चरण अलग नहीं, कमल अलग नहीं, चरण को ही कमल का हम रूप दे देते हैं, यहाँ कहलाता है रूपक अलंकार, और उनके कमल रूपी चरण की हम वंदना करते हैं, ईश्वर के, ईश्वर के चरण को हम पैर नहीं कहते हैं, उनके चरण को हम कमल के रूप में देखते हैं, और चूंकि कमल सबसे पवित्र पुष्प माना जाता है, इसलिए उनके चरण की पवित्रता को देखते हुए हम उनके चरण को कमल के रूप में देखते हैं, इसीलिए यहाँ कहलाता है रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप, कोई भेद नहीं है, दोनों एकाकार है, दोनों एक है, दोनों को एक रूप दे दिया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है चरण कमल बंदव हरि राही। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार कहा किसे जाता है? अतिशयोक्ति शब्द को आप देखिए, दो शब्द के मेल से बने हैं, एक अतिशय और दूसरा युक्ति। युक्ति का अर्थ होता है विचार, अतिशय का मतलब होता है ज्यादा। जहां किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता हो वहां कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी घटना को, किसी बात को, किसी उक्ति को, किसी विचार को जब हम बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे सारे लोग जानते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी पहले, हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी पहले, लंका दहन हुआ बाद में। सारे लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप की पुतली जिधर फिरती थी घोड़ा उधर मुड़ जाता था, सारे लोग जानते हैं, सर्वविदित है। परंतु कवि ने लिखा कि नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। दूसरे वाक्य में जो मैंने बताया उदाहरण कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कवि कहते हैं कि नहीं नहीं हनुमान की पूंछ में अभी आग नहीं लग पाई थी, लंका शीघ्र जल गए और गए निशाचर भाग, उसके पहले ही लंका दहन हो गया, सारे निशाचर भागे, इसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी घटना को जब बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता हो ऐसी घटना कहलाती है अतिशयोक्ति अलंकार के। अतिशय का मतलब ज्यादा, युक्ति का मतलब विचार, किसी घटना को जब हम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं वह कहलाता है अति।
अतिशयोक्ति अलंकार से तात्पर्य ज्यादा है। इसका मतलब उत्प्रेक्षा। देखिए उत्कट इच्छा, हम उत्कट इच्छा कहते किसे? किसी दृश्य को जब हम देखते हैं हमारे मन में एक कल्पना आती है, जैसे कवि ने देखा सूर्योदय के समय पहाड़ को। सारे लोग भी देखते हैं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग सुनहला होता है, सूर्य का रंग सुनहला होता है। उस सुनहरी किरण जब उस पहाड़ के ऊपर पड़ती है सूर्योदय के समय में, पूरा पर्वत सोने के रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन कवि कहता है कि नहीं, पूरा पहाड़ ही सोने का दिखाई दे रहा है, पूरा पहाड़ी सोने का हो गया है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो उसे कहा जाता है उत्कट इच्छा। वही है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। ईश्वर के रूप को देखने की संभावना प्रकट होती है मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में धर्म का केंद्र मान लेते हैं, क्योंकि उसी प्रकार की हमारी इच्छा ही हो जाती है। पूरा पर्वत, पूरा पहाड़ सोने के रूप में कवि को दिखाई पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा मनोनील मनी शैल पर यातक परियो प्रभात। सूर्य की रोशनी, सूर्य की सुनहरी रोशनी जब पड़ती है सूर्योदय के समय उस पहाड़ पर, तब पूरा पहाड़ ही सोने के रूप में कवि को दिखाई पड़ता है। इसी को कहा जाता है उत्कट इच्छा। जो हम चाहते हैं उसी रूप में हम देखते हैं, ये कहलाता है उत्कट इच्छा। इसी को कहा जाता है उत्प्रेक्षा। एक कविता पढ़नी है, उस कविता में कवि ने कहा है कि देखते हैं बादल मेघ को, मेघ को अतिथि के रूप में देखते हैं, आए जो अतिथि गांव में शहर के, गांव में शहर का अतिथि, आए जो अतिथि गांव में शहर के, इसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बादल एक अतिथि के रूप में, जो अतिथि शहर का है गांव में आया हुआ है, उसे हम अतिथि के रूप में ही देखते हैं, अतिथि के रूप में ही देखने की संभावना प्रकट की जाती है कवि के द्वारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा, उसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ यहां होता है सजीवता से, और जहाँ कवि के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु में उसे जीव डालकर सजीवता दिखाकर हम उसका वर्णन करते हैं, उसे कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। जैसे कवि ने लिखा, हम सभी लोग जानते हैं कि सागर न सोता है न तो सागर जागता है, क्योंकि वह निर्जीव है, सागर निर्जीव है, जल निर्जीव है। लेकिन कवि की ऐसी कल्पना है कि कवि ने उसे देखा तब ऐसा लगा कि नहीं, सागर जाग गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ निर्जीव जल में सजीवता लाकर कवि के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। दूसरे उदाहरण है आए मंद बसंत। जैसे बसंत एक ऋतु है, बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है, बसंत ऋतु छह ऋतु में, बसंत ऋतु और
बसंत ऋतु को कवि ने एक महंत के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को राजा माना जाता है। बसंत ऋतु का आगमन कवि ने महंत के रूप में किया है, आए महंत बसंत। तो इस महंत के रूप में कवि उस बसंत को स्थान दिया है। बसंत ऋतु है, न कि कोई व्यक्ति है जो आ रहा है। आए महंत बसंत, महंत के रूप में उस बसंत ऋतु जो निर्जीव है उसमें सजीवता लाकर कवि ने उसका वर्णन किया है। इसे कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार का उदाहरण हुआ, अलंकार की परिभाषा हुई, अलंकार का नाम हुआ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, जहाँ कवि के द्वारा कविता में अर्थ के माध्यम से या शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो उसे कहा जाता है अलंकार। जब हम आभूषण का उपयोग करते हैं अपने शरीर में तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कविता में अलंकार का उपयोग भी कविता को चमत्कार पूर्ण दिखने के लिए, उसके अर्थ सुंदर लगने के लिए आभूषण का कवि उपयोग करते हैं, तो इसे कहा जाता है अलंकार। और ये 8 अलंकार आप लोग के लिए निर्धारित हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहता हूँ विराम।